Welcome. We will be continuing chapter number 1. Today we will be discussing about soft water, hard water and heavy water. Water containing dissolved impurities of hydrogen carbonate, chlorides and sulfates of calcium and magnesium are called hard water. कुछ पानी में ऐसा होता है कि कुछ इसके अंदर मिलावट भी आती है, इम्प्योरिटीज मिल जाती है उसके अंदर, जो यूजुअली हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, कैल्शियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम के भी सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं, तो ऐसे पानी को हम लोग हॉट वाटर कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होती है? उसकी पहचान इस तरीके से करते हैं हम लोग कि अगर उसके अंदर सर्फ डाल दें या उसके अंदर जो है साबुन डाल दें तो उसमें झाग नहीं बनेगा, उसमें बबल्स नहीं बनेंगे, उसमें लैथर नहीं बनेंगे। तो ऐसे वाटर जिसमें झाग, बबल्स या लैथर नहीं बनते, दे आर नोन एज हॉट वाटर। वो क्यों होते हैं ऐसे, क्यों उसके अंदर झाग नहीं बनते? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। इनकी मौजूदगी की वजह से वो पानी जो है झाग नहीं बनाता। इट डज नॉट गिव लैदर विद सोप, हैंस कॉल्ड हार्ड वाटर। अब क्योंकि ये सोप के साथ लैदर नहीं बनाता, इसी वजह से इसको हार्ड वाटर कहा जाता है। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बट इन स्मॉल क्वान्टिटीज एंड ईजिली प्रोड्यूस लैदर विद सोप इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। अब वो पानी जिसके अंदर झाग बनते हैं, विच प्रोड्यूसेस लैदर विद सोप, जो झाग बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं, बेशक उसके अंदर इम्प्योरिटीज थोड़ा ही सही हो या बिल्कुल भी ना हो, मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज उसके अंदर झाग बन रहे हैं डिस्पाइट द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, दैट काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। ओके, तो यानी कि वो पानी जिसके अंदर लैदर नहीं बनता विद सोप, दैट इज नोन एज हार्ड वाटर। एंड द वाटर विच डज प्रोड्यूस leather with soap is known as soft water. So the main difference is the production of leather with soap. अब ये दोनों difference है between hard water and soft water. So यानी कि जो hard water है it's not suitable for drinking. Hard water produces curds with soap and affects the cleaning action of soap. अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि soap की जो cleaning action होता है वो affect करता है, वो सही से साफ नहीं करता क्योंकि झाग नहीं बन पाते। Soap contains sodium salts of long chain of carboxylic acids such as sodium hexadecanoate, sodium also known as sodium palmitate and sodium octadecanoate. Hexa means 6 and octa means 8, or it's called second name of the iska sodium stearate. Whereas hard water contains calcium and magnesium ions. When hard water is mixed with soap, then calcium and magnesium ions react with anions of soap to form insoluble compounds. अब झाग बनने का मकसद क्यों नहीं बनता वो झाग हार्ड वाटर में, क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस हार्ड वाटर के अंदर, वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ। और जब वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ तो उनके वजह से, उस रिएक्शन की वजह से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड तैयार होता है ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स तैयार होते हैं उसकी वजह से झाग नहीं बन पाती, यानी सही से डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से झाग नहीं बनते और इंस्टेंट हमें कर्ड्स नजर आते हैं वाटर के अंदर। ये कर्ड्स हैं, यानी कभी कभी आप लोग देखेंगे नलके के ओपनिंग जहाँ से पानी निकल रहा होता है वहाँ पे कुछ नमक टाइप का, वाइट टाइप का कुछ ये चिपक जाता है, या फिर अगर उसके अंदर कोई चीज़ धोते हैं तो वो सही से साफ नहीं होता। लाइक ये जो ग्लास है, इस ग्लास को सॉफ्ट वाटर से धोया गया और ये वाला जो ग्लास है वो हार्ड वाटर से धोया गया है, तो इसमें थोड़ी सी अभी तक झाग रह रहे हैं, वो सही से साफ नहीं कर रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो आयंस मौजूद हैं, जो उसके सॉल्ट्स मौजूद हैं, उसके ऐसे क्या होता है, वो रिएक्ट करता है सोप के साथ, जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। वो इनसॉल्युबल कंपाउंड की वजह से जो सोप का मेन फंक्शन है साफ करने का, वो पूरा नहीं कर पाता, इंस्टेड वो इस टाइप का कर्ड्स पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, अगर आपके नलके में इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ रही है आपको, या किसी भी अगर आप चीज़ में धो रहे हैं पानी, या मोटर में भी हो सकता है, जो भी वाटर से कनेक्टेड मशीन्स हैं, अगर इस टाइप के वाइट कलर के आपको पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उस जगह का जो पानी है इट्स हार्ड वाटर। यानी वहाँ पर जो डिजॉल्व हुआ हुआ इम्प्योरिटीज, इट हैज़ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है। सो इस डिजॉल्व की वजह से, इस डिजॉल्व इम्प्योरिटीज की वजह से इस टाइप के कर्ल्स हार्ड वाटर तैयार होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉसेस ऑफ हार्डनेस। द रेन वाटर ऑन इट्स वे टू ग्राउंड डिजॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब बरसात होती है तो अगर लेट्स सपोज जो
हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है या कम भी है, लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट है, तो वो ज़मीन में पहुंचने से पहले उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो डिसॉल्व हो जाता है। व्हेन इट डिसॉल्व्स, दिस वाटर व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द बेड्स ऑफ सॉइल यानी ज़मीन में पहुँचने तक, कंटेनिंग कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, रिएक्ट विद डिसॉल्व CO2। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेके आ चुका होता है, डिसॉल्व कर चुका होता है, जो ज़मीन में पहुँचते हैं, ज़मीन के जो है उसमें ज़मीन में सॉयल में जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो अगेन वो उसके साथ भी रिएक्ट करता है, उसके साथ भी डिसॉल्व कर लेता है इन वाटर टू चेंज द कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम into their respective hydrogen carbonates। तो वो carbonates of calcium होता है, like यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है जमीन है उसके अंदर calcium carbonate है, और फिर जो बरसात का पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ हुआ है, तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बोनेट वाला पार्ट है वो बन जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर कोई ज़मीन है उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस है, तो जो बरसात है, जो वाटर रेन वाटर है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, वो जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम के साथ जो कार्बोनेट मौजूद है दैट बिकम्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज जब रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है, दे प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच कॉसेस हार्डनेस इन वाटर, यानी वो झाग नहीं बना पाता। Underground water also dissolves chlorides and sulfates of calcium and magnesium. This underground water now contains calcium and magnesium ions, which make water as hard. जो जड़ का पानी होता है, underground water यानी कि जो पहले से पानी जमीन के अंदर, जमीन के नीचे मौजूद है, जो जड़ का पानी होता है उसके अंदर भी क्लोरीन, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी डिजॉल्व जाता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमें बता दिया था कि जब बरसात का पानी नीचे गिरता है तो ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट ज़मीन के हिसाब से डिफरेंट सोल्यूट्स उसके अंदर होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो अंडर वाटर जड़ के पानी में भी मिक्स हो जाता है, तो अक्सर जो है जड़ का पानी भी जो है वो हार्ड वाटर हो सकता है, अगर उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में वो पानी आप निकाल रहे हैं, it has chlorides or sulfate of calcium and magnesium. Now we have some types of hardness. Two types of hardness, permanent hardness and temporary hardness. अब temporary and permanent hardness, हमारे पास दो type of hardness in water. दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि अगर temporary hardness है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर carbonate है, यानी कि hydrogen carbonate of calcium और magnesium अगर exist कर रहा है, यानी दोनों cases में calcium magnesium constant है, सही है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो कांस्टेंट है, चाहे वो टेम्प्ररी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो। फर्क सिर्फ ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो टेम्प्ररी हार्डनेस है, तो उससे क्या होता है, इसको हम आसानी से जो है रिमूव करके वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इंस्टेड रिएक्ट कर रहे होते हैं विद क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, जो क्लोराइड एंड सल्फेट सर वो रिएक्ट करते हैं, सो दे कैन प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। यानी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि दोनों के अंदर ऑल्दो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की प्रेजेंस, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो टेम्प्ररी हार्डनेस क्रिएट करेगा, बट इफ इट रिएक्ट्स विद क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, इफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स यानी Cl एंड SO4, तो वो जो प्रोड्यूस करता है वो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन टेम्प्ररी एंड परमानेंट। कैल्शियम मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस टेम्प्ररी हार्डनेस इन वाटर, और अगर वो क्लोराइड और सल्फेट से रिएक्ट करेगा सो इट विल प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। नाउ जब हार्डनेस आ जाती है वाटर के अंदर तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, सो दैट इट कैन बिकम सॉफ्ट वाटर। सबसे आसान तरीका है सबसे पहले बाय हीटिंग, यानी बॉयल करना। टेम्प्ररी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव बाय बॉयलिंग। दिस हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वाटर में डिसॉल्व हुआ है, यानी जिस वाटर के अंदर टेम्प्ररी हार्डनेस है, उस वाटर को अगर आप बॉयल कर लेते हैं तो वो क्या करता है, उस हीट की वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो टूट के बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और जो मैग्नीशियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो टूट के बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इन दोनों केसेस में चाहे कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट तैयार हो, दोनों की खास बात ये है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर। एंड सिंस दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, यानी कि जो एरो हम लोग शो करते हैं इक्वेशन में डाउनवर्ड्स, इसका मतलब ये है कि ये डिसॉल्व नहीं होता पानी के अंदर या जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये नीचे बैठ जाता है, ये वाला पाउडर जो नीचे बैठ जाता है। यानी लेट्स सपोज आप बात कर ले कि जब मिट्टी को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, कुछ वक्त जितना भी आप मिक्स कर लें कुछ वक्त के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो वैसे ही ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा हो जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता तो वो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, एंड देन इसको जो इक्वेशन में शो करते हैं वो डाउनवर्ड एरो के साथ शो करते हैं। सो हीटिंग में क्या होता है, अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो टूट जाता है, डिकम्पोज जाता है इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट जाता है, डिकम्पोज जाता है इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इस वजह से क्या होता है, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। अब बाय हीटिंग का जो प्रोसेस है टू रिमूव हार्डनेस, इट्स बेटर अगर आप थोड़ा सा पानी जो है रिमूव कर रहे हैं, थोड़े से पानी में आप टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, सो बाय हीटिंग इट्स बेटर। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी है, आप बहुत बड़े मिकदार में पानी को जो है क्लीन करना चाह रहे हैं, उससे हार्डनेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस मैथड के लिए, उस चीज़ के लिए आप लोग यूज़ करेंगे क्लार्क्स मैथड। यानी टेम्प्रेरी हार्डनेस कैन ऑल्सो भी रिमूव बाई यूजिंग स्लेक लाइम, चूना इस्तेमाल करके भी हम लोग जो हार्डनेस है टेम्प्रेरी हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज क्लार्क्स मेथड। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको बहुत बड़े मिकदार में वाटर को उसमें से जो हार्डनेस है वो रिमूव करना है, सो यू यूज क्लार्क मेथड, जिसके अंदर हम लोग स्लेक लाइम यूज करते हैं विच इज चूना। दिस इज अ केमिकल मेथड, इन दिस मेथड टेम्प्रेरी हार्ड वाटर कंटेनिंग hydrogen carbonates of calcium and magnesium is treated with slaked lime in the tanks. The hydrogen carbonates of calcium and magnesium are converted into their insoluble carbonates. These insoluble carbonates settle down at the bottom of tanks while soft water is drained off for the use. अब इसमें क्या होता है, इसमें अगेन क्योंकि ये slaked lime के साथ काम करता है तो ये slaked lime से जो react करता है तो अगेन ये जो है calcium carbonate और magnesium carbonate जो है ये produce करता है। प्रीवियस में हमने देख लिया था बॉइलिंग में क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस केस में भी दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें क्या होता है, जब इनसॉल्युबल होता है तो नीचे बैठ जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आसानी से उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यानी बॉइलिंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू स्लेक लाइम, अगर स्लेक लाइम यूज़ करेंगे उसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो इसलिए लार्ज स्केल में अगर बहुत ज़्यादा आपको जो है वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको वाटर में से हार्डनेस रिमूव करना है तो आप लोग जो है स्लेक लाइम का इस्तेमाल करें, यानी क्लार्क मेथड जो है वो लार्ज स्केल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है वही सेम है, दैट दे आर प्रोड्यूसिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आखिर में नीचे बैठ जाता है, एंड देन उसको आसानी से उसमें से हम वाटर को सॉफ्ट वाटर को ड्रेन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज परमानेंट हार्डनेस। अब इसको कैसे रिमूव किया जाता है, ऑल्दो इसका नाम परमानेंट हार्डनेस रखा गया है बट इट्स नॉट परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस बेसिकली इसको इसमें से हार्डनेस रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली टू टेम्प्रेरी हार्डनेस, तो उस लिहाज से जो है इसका नाम परमानेंट हार्डनेस रखा गया है। नाउ दे कैन बी रिमूव बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, और इस चीज़ के लिए यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, वी कैन आइदर यूज वॉशिंग सोडा, वी कैन यूज कॉस्टिक सोडा और वी कैन यूज जियोलाइट्स। ठीक है, तो ये तीन केमिकल्स हैं जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, कौन कौन से, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा एंड जियोलाइट। ठीक है, इसमें डिटेल में आगे पढ़ते हैं। When washing soda is added to permanent hard water, insoluble calcium carbonate and magnesium carbonate are precipitated from the soluble salts of calcium and magnesium. अब इसमें permanent hardness है तो इसका मतलब है या तो इसके अंदर sulfate होगा या इसके अंदर chloride होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, washing soda यानी कि sodium carbonate Na2CO3 को इस्तेमाल करते हैं, इसको इसका react करवाते हैं CaSO4 के साथ और magnesium chloride के साथ, एंड अगेन हमारे पास वही कार्बोनेट वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है
जो अगेन इन सॉल्युबल है तो वो नीचे बैठ जाता है और फिर हम जो वाटर होता है उसमें से वो रिमूव कर लेते हैं बाय यूजिंग कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हुए. व्हेन कॉस्टिक सोडा इज एडेड टू अ परमानेंट हार्ड वाटर इन सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, इन सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम आयन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम व्हाइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर. यानी कि जब मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विद कॉस्टिक सोडा तो हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अगेन इनसॉल्युबल एंड देन हम जो क्लीन वाटर है वो निकाल लेते हैं. बट मैग्नीशियम सल्फेट की जगह पे अगर हम लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सॉरी कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है राइट हैंड साइड पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बट इन दिस केस मसला ये है कि दे आर पार्शियली सॉल्युबल, यानी अभी भी जो वाटर जो आप रिमूव करेंगे कैल्शियम सल्फेट में से जो क्लीन करके टेम्प्रेरी सॉरी इसमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करके उसमें अभी भी जो हार्डनेस है उसमें थोड़ी सी बाकी रह जाएगी क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इट्स पार्शियली सॉल्युबल तो पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ होगा वाटर. नेक्स्ट वी हैव इज बाय यूजिंग जियोलाइट सोडियम जियोलाइट, बेसिकली इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं सोडियम जियोलाइट और ये जो है अक्सर घरों में जहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का प्रोसेस कर चल रहा होता है लाइक कुछ घरों में जो है हार्ड वाटर जो है डेली बेसिस पर आ रहा होता है तो दे यूजुअली कीप सोडियम जियोलाइट एट देयर प्लेस. ठीक है, अब इसमें होता क्या है दैट कैल्शियम सल्फेट को सोडियम जियोलाइट से रिएक्ट करवाते हैं मिक्स करवाते हैं तो कैल्शियम जियोलाइट प्रोड्यूस करता है, अगेन इट्स इनसॉल्युबल तो आसानी से वो वहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं. और ज़्यादा साफ़ करने के लिए और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसी कैल्शियम जियोलाइट को हम लोग नमक जो होता है घर में जो नमक इस्तेमाल होता है उसी के सॉल्यूशन से रिमूव कर लेते हैं और वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाता है. सोडियम जियोलाइट हमें वापस जो हम लोगों ने यहाँ पर सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल किया हुआ होता है वो वापस हमें मिल जाता है. तो यूजुअली जो जियोलाइट वाला प्रोसेस है दैट्स क्वाइट चीपर देन द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा. उसमें क्या होता है बेसिकली कि कैल्शियम सल्फेट जो आपके पास मिक्स हुआ होता है इन द हार्ड वाटर वी रिएक्ट विद with sodium zeolite and then we have calcium zeolite. जो calcium zeolite जो है हम लोग उसी को अगर हम घर में जो मौजूद नमक है उसी के साथ react कर लेते हैं calcium zeolite को तो हमारे पास वापस जो sodium zeolite हमने इस्तेमाल किया था वो उसी मिकदार में हमारे पास वापस आ जाता है. सो बेसिकली हमारा इतना खर्चा नहीं होता, इट्स लाइक अ साइकिल. ना ये हो गया हम लोगों का हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. अब हमारे पास आ जाता है हैवी वाटर. Now, heavy water is a compound of oxygen with heavy hydrogen. यानी कि जब oxygen react करता है with deuterium. Deuterium क्या है? It's an isotope of hydrogen जिसके अंदर one electron, one proton and one neutron होते हैं. तो इसका मतलब है इसका जो atomic mass है या mass number है that is 2. तो ऐसे hydrogen के साथ, heavy hydrogen के साथ जब oxygen react करता है तो जो water बनता है it's known as heavy water. क्योंकि hydrogen को हम क्या कहते हैं? Deuterium को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं विच इज अ मिसनोमर जो हम प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था. सो क्योंकि वो हैवी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो द वाटर दैट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस इज नोन एज हैवी वाटर और इसको यूजुअली हम DTO के थ्रू से शो करते हैं. ऑल्दो हम H2O भी कर सकते हैं बट टू स्पेसिफाई कि हम लोगों ने कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया हुआ है यूजुअली यूज डी फॉर ड्यूट्रियम एंड देन टू क्योंकि टू हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है एंड ऑक्सीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूट्रियम ऑक्साइड क्योंकि ड्यूट्रियम यूज करते हैं तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड. हैवी वाटर इज प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 1 part in 7,000. यानी कि अगर आप ऑलमोस्ट 7,000 पार्ट्स वाटर जो दुनिया में मौजूद है नेचुरल वाटर का उसका आप बनाएंगे तो उसमें से 1 part नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा होता है जो हैवी वाटर हो जो हैवी वाटर होता है. इट इज 1.1 times हैवियर देन H2O यानी उसका वजन जो है नॉर्मल पानी से ज़्यादा भारी होता है. इट्स डेंसिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन हाइड्रोजन वाटर. अब क्योंकि इसका जो वजन है नॉर्मल पानी से ज़्यादा भारी होता है तो इसकी डेंसिटी भी उससे ज़्यादा होती है. इट हैज लो वेपर प्रेशर देन ऑर्डिनरी वाटर यानी कि वो ऑर्डिनरी वाटर के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी उबल जाता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3.81 degrees Celsius एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 101.42 degrees Celsius. यानी ये पानी जो ड्यूट्रियम का आइस होता है डिजॉल्व है सॉरी इट मेल्ट्स एट 3.81 degrees Celsius एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 101.42 degrees Celsius. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है, या फिजिक्स में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, दैट ये कुछ वाटर होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं कि वो लाइट को बैंड करते हैं. तो बैंड करने की जो एंगल होती है, क्योंकि कितना बैंड करेगा, कितना वो मोड़ेगा लाइट को, लाइक लाइट हम लोगों ने पढ़ा हुआ दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट कुछ ऐसे मीडियम होते हैं, कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं, जब वाटर, जब लाइट उसमें से पास आउट कर रहा होता है तो वो अपने एंगल चेंज कर लेते हैं. यानी वो स्ट्रेट लाइन तो कर रहा होता है, बट लाइक 180 डिग्री की बजाय थोड़ा सा उसकी एंगल चेंज हो जाती है. तो वो एंगल कितनी चेंज करता है, दैट एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप डिटेल में फिजिक्स में स्टडी करेंगे. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हैवी वाटर इज मच स्मॉलर देन ऑर्डिनरी वाटर. यानी कि अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर अगर आप कोई चीज़ लाइट पास करेंगे, तो उस नॉर्मल पानी के अंदर जो है वाटर ज़्यादा बैंड करेगा, लेकिन हैवी वाटर के अंदर जो है जो लाइट है वो कम बैंड करेगी. This property is used to identify heavy water from ordinary water, that is for isotopic analysis. यानी कि यही तरीका जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं पहचानने के लिए कौन सा आइसोटोप जो है यूज हुआ बाय वाटर के अंदर. किस तरीके से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू, कि वो लाइट को कितना बैंड कर रहा है. इस तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ हुआ है उस वाटर को तैयार करने में. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ heavy water is 20 amu, while that of ordinary water is 18 amu. अब जो heavy water है DEO, उसका जो mass बनता है वो 20 amu है, जबकि normal पानी का mass बनता है 18 amu. क्यों? क्योंकि H का mass होता है 1, 1 times 2 is 2, और oxygen का mass होता है 16, 16 plus 2 is 18. लेकिन heavy water के अंदर जो deuterium इस्तेमाल होता है उसका mass है 2. तो H2 बन गया 2 times 2 is 4 plus 16 ऑक्सीजन का, that becomes 20. तो यानी हैवी वाटर का जो मास है that is 20 amu. अब यूजेस क्या है हैवी वाटर के? इट इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. सबसे पहली चीज, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में ये होता है कि वो न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं हम लोग. यानी न्यू एलिमेंट्स तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं. तो यूजुअली उससे जो है न्यू एलिमेंट, हमें काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट इस तरह से हम लोगों ने आर्टिफिशियल तैयार किए हैं. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए वी यूज मॉडरेटर. तो अक्सर जो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर रिएक्शंस जो होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मॉडरेटर, ताकि जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए. इट इज ऑल्सो यूज एज ट्रेसर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्चेस. अब ट्रेसर क्या होता है? बेसिकली ये लाइक ट्रेस करता है एक तरीके से, कि वो उसको रिकॉर्ड में रखता है जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस जो करवाते हैं, रिसर्चेस जो करवाते हैं. उसमें क्या होता है कि हम लोग जो हैं कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पता करना कि कहाँ से ये मसला शुरू हुआ है, इस टाइप की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ग्लो होता है बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव. तो रेडियो एक्टिव क्या करता है? बिकॉज इट रिलीजेस रेडियो एक्टिविटी, उसमें से रेडियो एक्टिव रेस उसमें से रिलीज हो रहा होता है, इमिट हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक ग्लो होती है जो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होती है व्हेन उनका जो है हाफ लाइफ पास नहीं हो रहा होता. तो वो क्या करता है, उस ग्लो की वजह से हम लोग जो है काफ़ी सारे उसको मसले मसाइल जो बायोलॉजिकली ये केमिकल रिएक्शंस या रिसर्चेस होते हैं, खासकर ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कि हम ट्रेस करते हैं कि क्या मसला आ रहा है. मतलब लाइक इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट अकर्स इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम और इन अ केमिकल सिस्टम.